سيدتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये आप मशायख की, उलमा की, बड़ों की, इनकी ये इतनी ताजीम और इनकी तकरीम क्यों करते हैं? क्या हमें इस्लाम इसके बारे में कोई तालीम देता है या ऐसी कल्चरली आप लोग इतनी तकरीम करते हैं? तो आइए, वैसे तो दुनिया का तकाजा भी ये है और दीन का तकाजा भी है कि साहिबान इल्म, साहिबान मारिफत, जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत दी हो, जो अल्लाह के महबूब हों, उनकी तो इज्जत इसीलिए की जाती है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। अल्लाह के दीन, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है उसका इल्म उनके सीनों में महफूज है, उनकी जबानों पे जारी है, उनकी ताजीम के लिए तो यही बहुत है। क्योंकि देखो ना, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होते हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो वो हदीस मैंने आपको कई दफ़ा सुनाई है कि फिर जिब्रील अमीन को बुलाता है और कहता है मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी करो। जिब्राइल अमीन आसमान के फरिश्तों को ये बात बताते हैं कि तुम मोहब्बत करो उससे, क्योंकि फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। और बात होते होते ज़मीन के करीब फरिश्तों तक आती है और उन फरिश्तों में आती है जो ज़मीन में गर्दिश करते हैं, फिर लोगों के दिलों में ये बात मुंतकिल कर दी जाती है और फिर लोग दिल से उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, लोगों में वो मकबूल हो जाता है। तो ये फैसला तो अल्लाह की तरफ से हो गया, लेकिन आइए इस पर कुछ और भी रोशनी डालते हैं, साथ कुछ और नुकात पर भी रोशनी डालता हूं, ताकि बहुत सारे मसले फिर एक ही साथ हम इसमें एक ही मजलिस में बहुत सारे मसाइल पर बात हो। तो देखें जी, छोटों पर शफ़क़त करना, बड़ों के साथ शर्फ और मर्तबे के साथ पेश आना, उनके शर्फ और मर्तबे को पहचानना। अच्छा, ये बड़ा जो है ना, ये सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं होता, ये इल्म के एतबार से भी होता है। तो फिर इनको पहचानना और छोटों पर शफ़क़त करना, और छोटे सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं, जो मैं पिछले दर्स में बता चुका हूँ, वो जो आपके मातहत हों, जो आपके अंडर हों, तो ये तमाम मामला जो है ईमानियात से ताल्लुक़ रखता है। छोटा चाहे उम्र में छोटा हो, इल्म में छोटा हो, मर्तबे में छोटा हो, इस पर रहम करना, शफ़क़त करना। अच्छा, इसी तरह गुनाह से इंसान काफिर नहीं होता। हाँ, जो हज़रात अम्बियाए कराम की तौहीन करे वो तो इस्लाम से खारिज हो जाता है। अच्छा, इसी तरह बड़े जिस मुकाम और मर्तबे के मुस्तहक़ हों, उनको वही मुकाम और मर्तबा देना चाहिए, क्योंकि वो उसके मुस्तहक़ हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने उस मुकाम पर बिठाया है। तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी उन्हें तुम भी इज्जत दो। इसलिए देखें ना, हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दाखिल हुए, अपनी कौम के सरदार हैं और एक यहूद की कौम के मामले में फैसला करने के लिए यहूद ने उन्हें सालिस चुना, तो हुजूर ने क्या फरमाया? हालांकि हुजूर की मजलिस है, हुजूर ने उनके कौम के लोगों से कहा कुमुरी साहिबिकुम, तुम उठो, कुमुरी सैयदिकुम, अपने सैयद के लिए, अपने कौम के सरदार के लिए उठो, उसको इज्जत दो, उसे तकरीम दो। तो बहरहाल, तो बड़े जिस मुकाम और मर्तबे के मुस्ताक हैं, उनको वही मुकाम और मर्तबा होना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, इसी तरह काफिर माँ बाप हों या बहन भाई हों या रिश्तेदार हों, इनके साथ भी नेकी के साथ, नरम दिली के साथ, शफ़क़त के साथ सलूक करना चाहिए, क्योंकि हुकूकुल इबाद तो उनके तुमने पूरे करने हैं। बहरहाल, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने छोटों पर शफ़क़त करने, रहम करने और अपने बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आने और इनकी ताज़ीम व तकरीम करने की तौफीक दे। आइए वो हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि देखें लोगों के मरातब के एतबार के साथ जो उनसे सलूक करना चाहिए, इसमें बड़ी तफसीलात दीन में आती हैं। मैं आपके साथ एक हदीस शरीफ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद उसके रेफरेंसेस भी देता हूँ आपको। हज़रत मैमून बिन अबू शबीब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मैमून बिन अबी शबीब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मरवी है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक फ़कीर आया, तो आपने उसे एक टुकड़ा दे दिया। अब ऐसा नहीं कि टुकड़ा फेंक के दिया, ना ना, मतलब जो उसके इज्जत नफ्स मजरू किए बग़ैर, ये मतलब नहीं होता जैसा हमारे यहाँ जो है फ़कीरों को धुतकारा जाता है, इसकी ममानियत आई है दीनी, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना करो, उनको जलील ना करो, उनको भी इज्जत से दो। दोनों ने उसे
फकीर आया तो उसे एक टुकड़ा दे दिया। फिर आपके पास एक आदमी आया जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो आपने उसे बिठाया, फिर उसे खाना खिलाया। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया, क्या माँ आयशा, इस फर्क के बारे में? तो आपने जवाब दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि लोगों के साथ उनके मर्तबे के लिहाज से सलूक करो। और इस हदीस पाक को इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। किताबुल अदब में बाब कायम किया है उन्होंने, तंजीलुन नासी मनाजिला, हदीस नंबर है 4842। अच्छा, इसी तरह इमाम मुस्लिम एक रिवायत अपनी सही में नकल करते हैं कि उन्होंने कहा कि अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया लोगों के साथ उनके मरातिब के लिहाज से सुलूक किया जाए। हाकिम अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस पाक को अपनी किताब मारिफतु उलूम हदीस में भी जिक्र किया है, लेकिन इसकी सनद जिक्र नहीं की और फरमाया कि यह हदीस दर्जाए सही को पहुंचती, और चूंकि सही मुस्लिम में भी आ गई तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। अच्छा, इमाम अबी दाऊद ने जो हदीस नकल की है उसके बारे में इमाम अबी दाऊद खुद जिक्र करते हैं कि हजरत मैमून की हजरत आयशा से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मतन हदीस में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो टुकड़ा बीबी आयशा ने रिवायत किया वो सही मुस्लिम में आ गया, तो यूं उस टुकड़े की दर्जा सही की रिवायत से यूं तस्दीक हो गई। अच्छा, अल्लामा मोहम्मद बिन अल्लान शाफ़ई फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में इस बात पर उभारा गया है कि लोगों को उनके मर्तबे और मनसब के दर्जे में रखा जाए, महफिल व क़याम और खिताब व किताबत में उनके मनसब का एतबार करते हुए एक को दूसरे पर फजीलत दी जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिहाजा बावकार शख्स को कमतर दर्जे में और किसी कमतर को बुलंद दर्जे में ना रखा जाए, और हर जी हक को उसका हक दिया जाए। और इन अक़वाल को दलीलुल फालिहीन में बाप की तौकीरुल उलमा वल कुबार व अहलुल फ़ज़्ल, इसमें हदीस नंबर 356 के तहत नकल किया गया है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 240। अच्छा, इसी तरह अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों को इनके मर्तबे में रखो, यानी हर एक की हुर्मत की इसके मुताबिक हिफाजत करो जो इसकी उम्र, इसके दीन, इसके इल्म और शर्फ के मुनासिब। इस हदीस मुबारका में अवाम और खवास सबको मुखातिब किया गया है, आम लोगों को भी और खास लोगों को भी। अच्छा, अल्लामा अस्करी ने इस हदीस पाक को इमसाल और हुक्म में शुमार किया है और फरमाया है कि ये वो अदब है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया ताकि वो लोगों के हक को अच्छी तरह अदा कर सके। उलमाए कराम, औलियाए उज़्ज़ाम की ताज़ीम और बुजुर्गों का अदब व एहतराम वगैरह करे। और हजरत के इस कौल को फिर फैज़ुल क़दीर में हर्फ हमजा में नकल किया गया है, हदीस नंबर 2735 के तहत, जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 75। एक और मुकाम पर अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह एक नुक्ता बयान करते हैं जिसका खुलासा कुछ यूं है कि ताज़ीब व तकरीम बंदे की क़िज़ा है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मखलूक की हालत एक जैसी नहीं रखी, बाज़ को गनी बनाया तो बाज़ को फुकरा, बाज़ को पस्ती अता की तो बाज़ को बुलंदी, ताकि ये जाँच हो कि कौन ज्यादा शुक्रगुजार है। बस अल्लाह की मारिफत रखने वाला दुनिया वालों के साथ इन्हीं मुख्तलिफ हालतों के मुआफिक माशरती उमूर सर अंजाम देगा जो उसने अपने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाई है। जब वो किसी को इसके इस मुकाम और मर्तबे में नहीं रखेगा जो अल्लाह ने इसके लिए रखा है और उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश ना आएगा, तो गोया वो अल्लाह ताला के साथ जफा करने वाला होगा और वो इसके बंदों की हालतों में रब की मुआफ़िकत को तर्क करने वाला होगा। बस जब वो शरीफ और कमीने से मुराद छोटा आदमी, इसी तरह जो है गनी और फकीर यानी अमीर और फकीर को किसी मजलिस में बराबर मर्तबा देगा या कोई चीज बराबर आता करेगा, तो इससे सुलह कम और फसाद ज्यादा बरपा होगा, क्योंकि गनी की नशिस्त को जब दूर रखा जाएगा या उसे कोई हकीर तोहफा दिया जाएगा तो वो दुश्मनी और अदावत रखेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसके लिए इस चीज को मुकद्दर नहीं फरमाया। और जब कोई हुक्काम वाला मामला रियाया के साथ करेगा तो गोया इसने अपने आप को मुसीबतों के लिए पेश कर दिया। तो इस तमाम
تفصیل کو بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی آپے سے باہر ہو جائے کسی بڑے آدمی کو دیکھ کر جائے. آج کل بڑا ایک معاملہ چلتا ہے نا, آج کل بڑا کیا ہے, سیلیبریٹی, جو لائم لائٹ میں ہے وہ بڑا ہے. حالانکہ دین نے تو بڑا اس کو رکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یوں عزت دی. گناہوں کے راستوں پہ چلنے والے اگر بڑے بھی بن جائیں تو ہم انہیں وہ تو نہیں دیں گے, ہاں ٹھیک ہے ان کی ہدایت کے لیے عزت دیں گے کہ اگر اس عزت دینے سے وہ ہدایت کے قریب آ سکتے ہیں تو اور معاملہ ہے, لیکن ان کی اس دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں, کہ وہ تو ایک گناہوں کا راستہ ہے. کوئی گانے گا رہا ہے, اچھل رہا کود رہا ہے, اس سے وہ ملینز کما لیتا ہے, راستہ تو غلط ہے. بہرحال, یا کوئی شرابی ہے, کبابی ہے, شراب کے اڈے کھول کے بیٹھا ہے, کروڑوں کما لیا ہے تو حرام کی کمائی پہ بیٹھا ہے. بہرحال, کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں انہیں عزت دی جاتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک خاص علم ہے, جو دین کا علم ہے, ہدایت کا علم ہے, اگر وہ علماء خیر. اسی طرح جو لوگ جو ہیں, مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو وزیر بنایا ہے, کسی کو امیر بنایا ہے صحیح معاملے میں, اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور عزت دی ہے, تو پھر اسے ہم عزت دیتے ہیں تاکہ اس کا نفس نہ بگڑے. کیونکہ مقصد کیا ہے کہ معاشرے میں اصلاح بندی رہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں بھی جب قوموں کے سردار آتے تھے تو آپ ان کو سرداروں کے حساب سے عزت دیا کرتے تھے, انہیں شرف دیا کرتے تھے. کیونکہ مقصود کیا ہے, ہدایت کا حاصل ہونا اور فساد کا پیدا نہ ہونا. اسی لیے غزوہ حنین کے بعد آپ نے مکے کے سرداروں کو عام مکے والوں سے بہت زیادہ دیا, کیونکہ وہ سردار تھے, وہ قوم کی عزت تھے. تو ان باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اور انسان جو ہے اپنی جو اس کی چادر ہوتی ہے نا, اس کے مطابق کام کرنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم آپے سے باہر ہو جاؤ, قرضے لے کے عزتیں دیتے پھرو, پھر بعد میں قرضداروں کے قرضے چکاتے پھرو اور ذلیل ہوتے پھرو, ایسی بات نہیں. یہی ہے کہ آپ کے پاس کھانا بن گیا ہے, آپ کے پاس کوئی آیا تو جو آپ کے گھر میں ہے وہ آپ اس کے آگے رکھیں, آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. ہاں, اگر آپ کو کسی کو آپ نے مہمان بلایا ہے, کسی کو خاص طور پہ ٹائم دے کے وقت پر بلایا ہے, دعوت دے کر, تو پھر آپ اپنی حیثیت کے حساب سے جو کر سکتے ہیں وہ اس کے لیے کریں. تو یہ فرق رکھیں کہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی آپ کے گھر کوئی آ گیا اور آپ تو ویسے دال روٹی کھاتے ہیں اور آپ نے کہا یار ابھی آ تو گیا ہے, اس کو اب دال روٹی کیا کھلاؤں, تو ادھر سے مانگ رہے ہیں, ادھر سے مانگ رہے ہیں, ایسا نہ کریں. ہاں, آپ کے اگر اس کے اندر استطاعت میں ہے, آپ اس کی بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی کوشش کریں. تو خیر, بہرحال اسلام کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا, کہنے کا مقصد ہے بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن اگر آپ صاحب استطاعت ہو اور اگر آپ کسی کی عزت و تکریم کریں تو اس سے آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے. عزت و تکریم کرنے والا تو اعلیٰ ظرف والا انسان ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ایسے معاملے کرنے تھے, فساد کم ہوتا ہے, اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہو جاتی. عزت دینا اور غلامی کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. عزت دیں, انہیں شرف دیں, اور عزت اور شرف پھر جچتا بھی انہی کو ہے جو عزت اور شرف کو سمجھتے ہیں. جو عزت و شرف کو نہیں سمجھتے وہ عزت دینے سے پھر اچھلنے لگتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی اصل میں کیا اوقات ہے, یہ بھی سامنے آ جاتی ہے. تو بہرحال, امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے میں رکھا تو اس نے اپنے آپ سے مشقت کو دور کر دیا, اور جس نے اپنے بھائی کو اس کے مقام و مرتبے سے زیادہ بلند کیا تو گویا اس نے اپنے بھائی کی دشمنی کو اپنی جانب کھینچا ہے. یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, انسان کو آپ بہت زیادہ عزت دے دو, اس کا وہ حقدار نہ ہو, مستحق نہ ہو, سمجھ نہیں پاتا, یا کم کر دو تو وہ اس میں بھی تیش میں آ جائے گا. مولا علی کرم اللہ وجہ کے اس قول کو بھی فیض القدیر میں حرف حمزہ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 پر 2736 حدیث نمبر کے تحت اس کو نقل کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہنے کا مقصد تھا میرا, یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ کسی کو عزت دینا سے آپ کی عزت کم نہیں ہو جاتی, اور اس کے اندر دین میں کیا احکامات ہیں. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.